नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी बेरोजगार भत्ता योजना से संबंधित कोई भी न्यूज़ आएगी तो इस यूट्यूब चैनल में वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो साझा की जाएगी। तो दोस्तों, आज क्या न्यूज़ है नई बेरोजगारी भत्ते से और कब तक नए अप्रूवालों को मिलेगा, आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में वो बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन है वो सीधे मोबाइल में आ जाएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, व्हाट्सअप, वहाँ पर भी शेयर ज़रूर करें इसका लिंक। तो दोस्तों, बेरोज़गारी भत्ता योजना 2019 के बारे में एक नई जानकारी आई है सामने कि जिनका नया अप्रूव हुआ है यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, जिनका इन 3 महीनों के अंदर जो फॉर्म अप्रूव हुआ है जयपुर के द्वारा, तो उनका बताया वो अब आने वाला है। और दोस्तों, 3 महीनों का जो बताया यानी जिनका जुलाई में हुआ है उनका 3 महीने, और ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं कि अगस्त वालों का 2 महीने में, सितंबर वालों का 1, यानी जिनका जुलाई के अंदर भत्ता अप्रूव हुआ है उनका 3 महीने का जो भत्ता है वो साथ में आएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जो भत्ता आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नए अप्रूव वालों का आएगा, पुराने वालों का भत्ता है वो सितंबर में आ चुका है। जब अगली बार उनका भत्ता अक्टूबर का आएगा, उनके साथ हमारा जो नए अप्रूव वालों का है वो एक बार और साथ में है उनके आ जाएगा। लेकिन दीपावली से पहले रोज़गार कार्यालयों के द्वारा एक नई सौगात है वो दी जा रही है कि जो नए अप्रूव वाले हैं उनका जो भत्ता है वो कई रोज़गार कार्यालयों के अंदर 13 तारीख तक और बाकी के अंदर 25 तारीख तक है वो आ जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी रोज़गार कार्यालयों के अंदर 13 अक्टूबर तक आ जाएगा, ये कन्फर्म खबर है, और बाकी के अंदर 25 अक्टूबर तक है ये भत्ता है वो आ जाएगा। रोज़गार कार्यालयों में बड़े स्तर पर इसको लेकर काम है वो शुरू हो चुका है, बिल बनने हैं वो शुरू हो चुके हैं। जैसे ही कोई और न्यूज़ मिलती है आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आपकी कोई सुझाव हो, कमेंट हो, प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।